तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से YouTube चैनल मोनेटाइजेशन के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि आज के टाइम पर बहुत सारे लोग जो अपने YouTube चैनल के मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें अपने YT स्टूडियो के अर्न सेक्शन में लिखा हुआ आता है योर चैनल इज नॉट करंटली एबल टू अर्न। और यहाँ पर देखिए, हमें मेनली दो ही चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक मिलता है अपील का ऑप्शन और दूसरा मिलता है रीअप्लाई का ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर हमें कोई भी ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिलती है या हमें अपने चैनल के साथ मेजरली क्या सुधार करने हैं या मेजरली क्या प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से हमारे YouTube चैनल पर ये लिखा हुआ आ रहा है, वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बताया गया है। दोस्तों, इसके बारे में YouTube ने अपने हेल्प डेस्क में एक ब्लॉग में इसके बारे में विस्तार से बताया हुआ है, तो वहाँ पर इसके बारे में विस्तार से सभी कारण बताए गए हैं और इसके साथ साथ वहाँ पर आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं उस बारे में भी बताया गया है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी लोगों को इस बारे में भी बताऊंगा कि यहाँ पर आपको YT स्टूडियो के अर्न वाले सेक्शन में आपको जो दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक अपील का और दूसरा रीअप्लाई का, तो ये दोनों ऑप्शन को आपको किस केस में यूज़ करना है वही मैं इस वीडियो के लास्ट में आप सभी को बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर दी गई है, अटेम्प्टिंग मोनेटाइजेशन ऑफ वीडियोज यू डोंट ओन, इफ यू आर नॉट श्योर इफ यू हैव द राइट टू अपलोड द कंटेंट, चेक द कॉपीराइट FAQ, ऑल्सो मेक श्योर यू नो हाउ फेयर यूज वर्क्स। तो यहाँ पर बेसिकली यही कहा गया है कि आपने यदि कोई ऐसा कंटेंट अपलोड किया है जो कि आपका खुद का अपना नहीं है, तो आप यहाँ पर कॉपीराइट FAQ में जाकर चेक कर सकते हैं और ऑल्सो जो YouTube की फेयर यूज पॉलिसी है उसको भी आप जाकर पढ़ सकते हैं। यदि उसके तहत आपने कंटेंट इस्तेमाल किया है कॉपीराइटेड, तब तो कोई भी दिक्कत नहीं है। सेकंड यहाँ पर दिया गया है कि आपने यदि इस तरह की वीडियोस अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रखी हैं जो कि एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट गाइडलाइन को फॉलो नहीं करती है, तो अगर आपको इस पॉलिसी के बारे में नहीं पता है तो आप YouTube पर जाकर इसके बारे में चेक कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपके कंटेंट यहाँ पर जो है वो एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट गाइडलाइन को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। तीसरा कारण दोस्तों ये हो सकता है कि YouTube का पार्टनर प्रोग्राम जो है वो उसकी टर्म्स को एक्सेप्ट करना होता है, जो कि लास्ट टाइम अपडेट किया गया था 11 जुलाई 2023 को। चौथा कारण यहाँ पर ये हो सकता है कि यदि आपने YouTube चैनल के मोनेटाइजेशन पॉलिसीज, YouTube स्पैम पॉलिसीज, एडसेंस प्रोग्राम पॉलिसीज और YouTube टर्म्स ऑफ सर्विसेज, यदि इन चारों में से कोई भी पॉलिसी का यदि आपने वॉयलेशन किया है, उस केस में भी आपके YouTube चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो यहाँ पर डिसेबल कर दिया जाता है YouTube की तरफ से। इसके अलावा दोस्तों, बहुत सारे YouTube चैनल के साथ क्या होता है कि जब भी उनके YouTube चैनल पर किसी वीडियो पर या तो कॉपीराइट स्ट्राइक आता है या फिर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आता है YouTube की तरफ से, तो ऐसे में वो लोग वीडियो को डिलीट करने के बाद ये सोचते हैं कि उनकी YouTube चैनल से ये जो स्ट्राइक है वो हट जाएगी। लेकिन वीडियो को डिलीट करने से आपके YouTube चैनल पर उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दो में से कोई भी स्ट्राइक आई हुई है तो इसका इफेक्ट आपके YouTube चैनल पर 90 डेज तक रहेगा ही, और तब तक आप अपने YouTube चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं करवा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि आप इन प्रॉब्लम्स को फिक्स कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आपके YT स्टूडियो ऐप के अर्न सेक्शन में जाकर आपको चेक करना है कि वहाँ पर आपके चैनल पे मोनेटाइजेशन इनेबल ना होने का रीजन क्या है। यहाँ पर आपको रीयूज कंटेंट आ रहा है, कॉपीड कंटेंट आ रहा है या रिपीटेटिव कंटेंट आ रहा है, या फिर आपको यहाँ पर किसी भी गाइडलाइन का वॉयलेशन दिखा रहा है। तो जो भी चीज़ आपको दिख रही है, सबसे पहले तो आपको उसको वहाँ पर पता करना है। आपका जो कंटेंट है वो मोनेटाइजेशन पॉलिसीज एडवर्टाइजर फ्रेंडली कंटेंट के तहत होना चाहिए और कम्युनिटी गाइडलाइन को भी फॉलो करना चाहिए। तो ये चीज़ें आप जाकर पता कर सकते हैं, उसके बाद अपने YouTube चैनल पर चेक कर सकते हैं कि वो चीज़ें सही हैं या नहीं है। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि यदि कोई भी ऐसी वीडियो आपको लगती है जहाँ पर कुछ ऐसे पार्ट हो सकते हैं जो कि आपको लगता है कि इनकी वजह से आपका मोनेटाइजेशन रुका हुआ है, तो आप उन्हें एडिट कर सकते हैं, इस तरह की वीडियोस को डिलीट भी कर सकते हैं जो कि यहाँ पर YouTube की पॉलिसीज को वॉयलेट करता है। इसके बाद दोस्तों, ये सारी चीज़ें देखने और जानने के बाद आपको सिंपली अपने YT स्टूडियो ऐप में चले आना है और वहाँ पर अर्न वाले सेक्शन में जाकर आपको जो दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, पहला ऑप्शन होता है स्टार्ट अपील का और दूसरा ऑप्शन होता है रीअप्लाई का। तो स्टार्ट अपील आपको उस केस में ही करना है और जब आप 100% श्योर हैं कि आपके YouTube चैनल पर जो भी कंटेंट है वो पूरी तरह से सही है, आपके कंटेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उस केस में ही आपको स्टार्ट अपील पर क्लिक करना है। अदरवाइज आपको कुछ समय तक वेट करना है, अपने चैनल को अच्छी तरह से रिव्यू करना है और उसके बाद यदि अपने चैनल में कोई कमी लगती है तो उसको सुधार करना है, और उसके बाद जब रीअप्लाई वाला ऑप्शन यहां पर जो है वो इनेबल हो जाएगा तो आपको सिंपली अगेन से अपने YouTube चैनल के मोनेटाइजेशन के लिए आपको यहां पर जो है वो रीअप्लाई कर देना है। उसके बाद YouTube की जो टीम होगी वो अगेन से फिर से आपके YouTube चैनल को चेक करेगी और यदि उसे यहां पर सब कुछ सही मिलता है
तो यहां पर आपका जो YouTube चैनल का मोनेटाइजेशन है वो सिंपली इनेबल कर दिया जाएगा। सो आई होप दोस्तों इस वीडियो के थ्रू आपको डिटेल में पता चला होगा कि क्या क्या ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमें अपने YouTube चैनल पर वीडियोस को अपलोड करते समय उन्हें ध्यान देना होता है, उनको फॉलो करना होता है, उसके बाद ही हमारे YouTube चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो यहाँ पर इनेबल होता है। सो वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।